हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस क्लास। आप सभी बच्चों को मैं आज बता दूं कि आज की क्लास में हम सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन करने वाले हैं, और बहुत ध्यान से आप देखते जाइए किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट इंटीग्रेशन करते हैं। मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन से पहले लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसे मैंने आपको क्या बताया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था डायरेक्ट इंटीग्रेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर हम जो कवर करेंगे आज के इंटीग्रेशन में वो है सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन। तो बच्चे, ये सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन जो है ये किस तरीके से होता है और कैसे इसको फॉलो करते हैं, एक एक क्वेश्चंस वाइज चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे हम, तब हम समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक टर्म है जो आपको ध्यान रखनी है। आपको ध्यान रखना है कि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्यों और करेंगे किसको। तो पहले मैं बताता हूँ आपको कि क्यों करेंगे। देखो, ये एक इंटीग्रेशन है और बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, 1 + x² / 2x (dx). बच्चे, ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। आप इसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि दो फंक्शंस जो हैं, एक देखो ऊपर दे रखा है आपको फंक्शन और एक नीचे दे रखा है फंक्शन, डिवाइड में है, और डिवाइड रूल नाम की कोई चीज इंटीग्रेशन में नहीं होती। तो आप इसे कैसे करेंगे, आप इसे करने की कोशिश करेंगे कि इस दो फंक्शन को जो डिवाइड में है इसको एक सिंगल फंक्शन में बना पाए। तो आप जाएंगे एलजेब्रा के पास और आप क्या करेंगे, देखिए 1/2 तो मैं बाहर कर देता हूँ, अंदर बचेगा 1 + x² / x (dx). अब उसके बाद क्या करा जाएगा, अगला स्टेप आप देखोगे तो अगला स्टेप बहुत आसान हो गया, 1/x अलग कर देंगे प्लस x² / x अलग कर देंगे। ये आपका सिंपल इंटीग्रेशन है, इसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कहते हैं। उसके बाद अगले स्टेप के पास जाएंगे तो 1/2 (x) अलग है प्लस का x² कैंसिल हो जाएगा तो 1x बचेगा, ये अलग कर दिया। तो बेटा, यहाँ पर आपको समझ में आता है कि आपने जो पहले क्वेश्चन जो हमारे सामने था, यानी कि ये पार्ट डिवाइड में था और डिवाइड रूल हमारे इंटीग्रेशन में नहीं होता, तो हमने इसको कुछ मॉडिफाई किया और मॉडिफाई एक मैथमेटिकल मेथड से किया और उस मेथड का यूज करके हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 1/2 और ब्रैकेट लगाएंगे 1/x का इंटीग्रेशन, बेटा लॉग x होता है। लास्ट क्लास में मैंने ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखवाए थे, आप प्लीज 6 नंबर की क्लास जरूर देखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आएगा तो आगे आने वाली क्लासेस आपको बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे, आप नहीं कुछ भी समझ में आने वाला। प्लीज आप स्टार्टिंग से जरूर देखें, ठीक है ना। आपको डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप एक एक करके सारे वीडियोस देख सकते हो। फिलहाल आपका यहाँ पर प्लस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा क्या होगा, x² / 2 और प्लस सी एंड दैट्स इनफ, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब मैं इसे दोबारा करता हूँ इसी क्वेश्चन को, और क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा 2x / 1 + x² (dx). तो बेटा अब परेशानी है, हम नीचे वाली संख्या जो थी, ये जो संख्या दे रखी थी, इस संख्या को तो बड़े आसानी से इसके और इसको डिवाइड में लिख सकते थे, लेकिन ऊपर वाली संख्या को तो ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते ना, ये हमारा कोई मैथमेटिकल नियम तो नहीं होता ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये सेपरेट नहीं हो सकता। सेकंड, इसमें ये बात ध्यान रखनी है, ऊपर भी फंक्शन है यानी x दे रखा है और नीचे भी फंक्शन है यानी x दे रखा है, तो इसका मतलब दो फंक्शन डिवाइड में है और डिवाइड रूल नाम की चीज होती ही नहीं इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पर आके हम फंस जाते हैं, तब हमें यहाँ से निकालता है कौन, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन हमें यहाँ से निकालेगा। कैसे निकालेगा, हम यहाँ पर पुट करेंगे। पुट क्या करने वाले हैं, हम पुट करने वाले हैं t = 1 + x², इसको हम t पुट करने वाले हैं। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन होगा dt/dx = 0 + 2x। उसके बाद हम लिखेंगे dt = dx की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x (dx). तो गौर से देखिए तो आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी जो संख्या है यानी कि 2x (dx), देखो मैंने ये हाईलाइट कर दिया कि 2x (dx) की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, dt, और ये डिवाइड में जो 1 + x² है इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, t। तो हम इसे लिखेंगे, हम डिवाइड में t है तो डिवाइड में ही रह देंगे उसे, देखिए ऊपर तो नहीं जा सकता, इंटू का निशान, फिर उसके बाद 2x(dx) की जगह पर dt लिखा जाएगा। अब dt 1/t का इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t,
प्लस सी, और लॉग टी की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, एंड दैट्स इनफ। देखेंगे आपने क्वेश्चन जो है पहले जो था वो क्वेश्चन वो क्या था, पहले आपके सामने क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, अब की बार आपके सामने क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। लेकिन अगर मैं एज ए स्टूडेंट जनरल परसेप्शन की बात करूं तो बच्चे आप तो इसका कोई भी नहीं बता सकते, मतलब कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं बता सकते कि सर यहां पर आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन से किया, ये आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन यूज हुआ है, और यहां पर आपने सब्स्टिट्यूशन यूज किया। तो कैसे एक स्टूडेंट पता लगाए कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। दूसरी चीज, इसका इंपॉर्टेंस तो पता लग गया कि चलो ठीक है लगेगा, बिना उसके हो नहीं सकता था, लेकिन हम कैसे ये पता लगाएं कि सर आपने तो टी पुट कर लिया, बट हम कैसे टी पुट करें, हम कैसे बताएं कि आपने कहा, आपको तो याद होगा कि आपको ये पुट करना है, ऊपर वाली संख्या हट जाएगी, लेकिन हम कैसे बताएंगे अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग सिचुएशन है। तो मैं एक एक क्वेश्चन के साथ साथ आपका स्टूडेंट्स व्यू जरूर बताऊंगा, उसे सुनना जरूर, यानी कि मेरे लिखने के साथ साथ सुनना भी जरूर है और उसको अमल भी लेके आना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि हम क्वेश्चन को डायरेक्ट इंटीग्रेशन से ही करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन ये हो और चाहे वो क्वेश्चन ये हो। ये क्वेश्चन डायरेक्ट इंटीग्रेशन से हो सकता था, हमने इसे किया, हम इसे सेपरेट कर सकते थे, इतना आपको सोचना पड़ेगा। आप इस समय अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट्स हो और आपको सोचना पड़ेगा कि इसको सेपरेट किया जा सकता था, लेकिन इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, इसको एक सिंगल फंक्शन नहीं बनाया जा सकता। सो दैट्स व्हाई हम शिफ्ट कर गए दूसरे टाइप के पास, और उसका नाम था सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन। ये एक अप्रोच है जिससे आप ये पता लगा सकते हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर कि ये नहीं तो ये कैसे किया गया। सेकेंड अप्रोच की बात कर लेते हैं, मैंने टी इसे ही क्यों माना, तो इसके लिए कुछ बेसिक टर्म आपको याद रखनी है, और उसके बाद क्वेश्चंस करते करते धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि क्यों इसे ही टी माना गया। पहली बात आपको क्या करना है, पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको पुट करना है, और क्या पुट करना है भाई, पुट करना है एक्स्ट्रा टर्म को, आपको क्वेश्चन में एक्स्ट्रा टर्म को पुट करना है हमेशा, जब भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का होगा। अब ये एक्स्ट्रा टर्म क्या होती है भाई, जैसे कि मैंने कहा x का क्यूब का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, अगर मैं x क्यूब का इंटीग्रेशन करने लग जाऊं तो इसका इंटीग्रेशन x की पावर 4 बाई 4 होता है, लेकिन अगर यहां लिखा है x स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, तो यहां पर परेशानी है, ये तो एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है ना, ये टर्म जो है ये पूरी की पूरी एक्स्ट्रा में लिखी हुई है, बेटा इसी को टी मान लेंगे, तो टी क्यूब का इंटीग्रेशन फिर आप कर लोगे। जैसे e की पावर x का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है, e की पावर x, लेकिन यहाँ x ना लिखा हो और x की जगह पर कोई और वैल्यू लिखी हो, सपोज कि यहाँ पर लिखा है आपके सामने e की पावर सपोज x प्लस 3, तो आप इस x प्लस 3 को t मान लेंगे, तो यहाँ e की पावर t हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन फिर करेंगे। तो एक्स्ट्रा टर्म आपको समझ में आया, जैसे कि अभी तक आपने साइन x पढ़ा है, लेकिन x की जगह कुछ और लिखा हुआ मिल जाए, सपोज साइन cos x लिख जाए, तो ये cos x एक्स्ट्रा में है तो इसको हम t मान लेंगे। तो एक्स्ट्रा टर्म को हर किसी टर्म में, चाहे वो अल्जेब्रिक हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, चाहे वो लॉगरिथमिक हो, किसी भी टर्म में एक्स्ट्रा आपको खुद ब खुद दिख जाएगी, उसे आप पुट कर लीजिएगा। एक तो ये तरीका है, दूसरे तरीके के पास चलते हैं। तो दूसरा आपके पास तरीका क्या है कि आपको करना क्या है, आपको पुट करना है हूज डिफरेंशिएशन गिवन इन द क्वेश्चन, यानी कि जिसका डिफरेंशिएशन ही क्वेश्चन में गिवन होगा उसे पुट कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे इसे, तो इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं जो मैंने अभी कराया था। आप गौर से देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे, तो मैंने जब इस क्वेश्चन को देखा तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या क्या दिमाग में लगाया, मैंने दिमाग में कुछ ये टर्म्स लगाई होंगी, देखिए आपके सामने है वो टर्म। मैंने सबसे पहले सोचा कि 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है। फिर मैंने सोचा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x होता है। तो मुझे समझ में आया कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे नीचे वाली संख्या का, तो ऊपर वाली संख्या मेरे को दिख रही है 2x और 2x, लेकिन ऊपर वाली संख्या का डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे वाली संख्या नहीं आ सकती, तो मैंने क्या पुट करा, नीचे वाली संख्या को। तो पुट क्या करते हैं, पुट करते हैं वो संख्या जिसका डिफरेंशिएशन गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, पुट हूज डिफरेंशिएशन गिवन इन द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, तो आगे स्टेप में जब हम करेंगे तो अगला स्टेप आपका है कि पुट करते हैं, और क्या पुट करते हैं बेटा,
पुट करते हैं लॉगरिथमिक वाले क्वेश्चन में, लॉगरिथमिक को, लॉगरिथमिक फंक्शन को आप पुट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे की बात करता हूं, नेक्स्ट की बात करता हूं आपको एक एक स्टेप्स याद रखने, क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में अगर मैं पुट करूंगा तो यहां पर पुट करते हैं क्वेश्चन में देखते ही आप लिख देंगे इसे इनवर्स फंक्शन को। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन है तो इनवर्स फंक्शन को पुट कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं हम अगला और लास्ट स्टेप के पास, और वो स्टेप ये है कि आप कन्वर्ट करते हैं ओड्स पावर इनटू इवन पावर। अब ये कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके लिए मैं क्वेश्चन बताऊंगा। तो बेसिकली ये पांच बेसिक टर्म आप याद रखेंगे और इसके बाद आपको सब्स्टिट्यूशन में थोड़ी सहूलियत ज्यादा मिलेगी, मेरी तरह आप सोच सकते हैं। तो क्वेश्चन पे चलते हैं, हम अभी फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, दो टाइप से कर चुके हैं, दो अलग अलग क्वेश्चन से, लेकिन मैं सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखूं तो फर्स्ट क्वेश्चन था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स रेस्ट टू द पावर टू अपॉन में एक्स इंटू में डी एक्स। मैंने एक क्वेश्चन को देखा और मेरे को इसे सॉल्व करना है, तो मैंने देखा कि इसके अंदर तो लॉग लिखा हुआ है, लॉग एक्स को पुट कर लेते हैं। यहां मैंने लिखा पुट टी इज इक्वल टू log x, और बच्चे उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, t का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपके सामने, dt अपॉन में dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x। बेटा इस dx की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे साइड में, तो कितना हो जाएगा, dt इज इक्वल टू 1 अपॉन x इनटू में dx। अब जरा गौर से देखिए बच्चे कि ये है आपके पास x और ऊपर दे रखा है dx। बेटा इसको लिखने का एक अच्छा तरीका भी और बता देता हूं, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, ये लिखा हुआ है log x का स्क्वायर इनटू 1 अपॉन x इनटू dx। मैंने इसको ही इस पूरी टर्म को एक्सपेंड करके लिख दिया। बेटा क्या लिखा, log x का स्क्वायर इनटू 1 अपॉन x इनटू dx। अगर मैं इसको फिर से मल्टीप्लाई कराऊंगा बेटा तो यही संख्या तो आएगी। इस तरीके से देखने में हमें एक फायदा मिला, क्या फायदा मिला कि ये पूरी की पूरी संख्या तो बन गई dt। देखो ये पूरी की पूरी संख्या बन गई dt, इसकी जगह तो मैं यहाँ लिख दूंगा dt, मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर, ये लिख दिया मैंने dt, और बेटा इसकी जगह पर हमारे पास संख्या बन गई t, देख सकते हो आप t है, तो t का स्क्वायर इंटीग्रेशन। यानी कि मैंने ये जो आपके सामने लिखा है इसको तो मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि आप ऐसे लिख के जज नहीं करोगे क्वेश्चन को, ठीक है ना, आप क्वेश्चन को यही रहने दोगे। अब आप ऐसे देखोगे कि ये लिखा है log x, इसकी जगह लिखेंगे t, स्क्वायर है तो लिखेंगे स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है क्या आपके सामने, फिर उसके बाद लिखा हुआ है आपके सामने ये है dx और अपॉन में x, और ये भी तो यही लिखा है dx अपॉन में x, तो इस पूरे की जगह पर जो मैंने अभी सर्कल किया, इस पूरे की जगह पर जो हाईलाइट किया है सॉरी, यहाँ पर dt लिखा जाएगा। होप सो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही है, नहीं समझ में आई टेंशन मत लेना, अगले क्वेश्चन में समझ में आएगी। हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके सामने टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी, और बेटा t की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, लॉग, तो यहां लिखेंगे लॉग x का क्यूब बाई थ्री और प्लस सी, दिस इज फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बेफिक्र रहिए, जहां पर होमवर्क की बात होगी मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, तो इसलिए अच्छे से करिएगा। अभी इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन x प्लस का x log x, ये क्वेश्चन दे रखा है इंटू dx। तो आप क्या करेंगे बच्चे, आप सबसे पहले तो इसमें से x कॉमन ले लीजिए, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकता है इंटीग्रेशन के निशान से, क्योंकि वो एक फंक्शन है, फंक्शन ऐसे ही बाहर नहीं जा सकता, ये मैंने कॉमन ले लिया। अब मुझे ये संख्या log वाले क्वेश्चन में log को पुट कर लेते, ये पूरी की पूरी संख्या t पुट कर लेनी है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू 1 प्लस log x। अब बच्चे क्या करने वाला हूँ मैं, डिफरेंशिएशन करूंगा, तो डी टी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, ठीक है। अगले स्टेप की बात करूं तो डी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू में डी एक्स। यहाँ तक की बात समझ में, इसे यहीं छोड़ देंगे और फिर इस क्वेश्चन के पास आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के पास आएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, मैं फिर से हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, आप इसे अपने माइंड में ऐसे ही सेट करना, ये मैंने कहा ये पूरी की पूरी 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर क्या लिखा जाएगा, डी टी,
और नीचे क्या दे रखा है, पूरी की पूरी संख्या 1 प्लस लॉग एक्स को क्या माना है, टी। तो यहां पर लिखा जाएगा 1 अपॉन टी, क्योंकि नीचे है तो नीचे ही रहेगा, इंटू में डी टी। मैं एक बात यहां पर और क्लियर कर देता हूं बच्चे कि क्या चीज नहीं होती है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स और एनी फंक्शन इस तरीके से नहीं लिखते। फंक्शन आगे आता है और dx हमेशा उसके पीछे होता है, यानी सही तरीका ये है लिखने का कि हमेशा dx पीछे ही लिखा जाएगा, रेस्पेक्ट हमेशा पीछे लिखी जाएगी। सेकंड, अगर आपको ये लिखा हुआ मिल जाए कि fx अपॉन में dx, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, रॉन्ग है। इसका सही तरीका ये हो सकता है कि fx, ये तो हो ही गया fx into dx, ये हो सकता है कि आपके सामने लिखा हुआ मिल जाए क्या, कि ऊपर लिखा हो dx, यानी कि dx ऊपर लिखा हो और नीचे हो fx, ये तो हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता, याद रखना, ना कि ये कभी करना आपको, क्योंकि ये करने से कोई अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे इंटीग्रेशन को। तो आपको ध्यान रखना कि रेस्पेक्ट हमेशा पीछे ही होती है, तो समटाइम्स अगर आगे लिख जाए तो आप उसे पीछे रख देना ताकि अच्छे से प्रेजेंट भी कर सको। चलो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखिए ये है हमारे पास अगला पार्ट। तो आगे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, लॉग टी का इंटीग्रेशन, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी होता है, प्लस टी, और टी की वैल्यू रख दी जाएगी। तो टी की वैल्यू क्या रखी जाएगी, वन प्लस लॉग एक्स प्लस सी, एंड दिस इज फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, उसके बाद लिखा हुआ है साइन ब्रैकेट ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। बेटा आप गौर से देखोगे तो ये तो पूरी की पूरी एक संख्या है साइन एक्स, और ये पूरी की पूरी एक संख्या है साइन कॉस एक्स, ये एक फंक्शन है पूरा का पूरा, साइन कॉस एक्स, साइन के साथ कॉस एक्स इसका एंगल है। तो बेटा यहाँ पर आप देखोगे तो एक्स्ट्रा में क्या दिख रहा है आपको, एक्स्ट्रा में तो कॉस एक्स दिख रहा है ना, एक तरीका। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो इस हिसाब से मैं क्या पुट करने वाला हूँ, मैं लिखूंगा पुट एक्स टी इज इक्वल टू, पुट टी इज इक्वल टू कॉस एक्स। समझ में आया, मैंने कॉस को ही क्यों पुट किया, क्योंकि इसे टी पुट करने से यहाँ हो जाएगा साइन टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन हमें आना चाहिए, तो इसलिए इसको पुट किया है, ये रीजन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी टी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, देन डी टी माइनस से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे, माइनस का डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा आपको, ये माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेसिकली हमारे पास साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी है। अब यहां ढूंढते हैं कहां है माइनस साइन एक्स, तो ये देखो ये रहा साइन एक्स और इंटू में डी एक्स, देख रहे हो आप, नहीं देख पा रहे तो मैं दोबारा से दिखाता हूं आपको कि कहां है साइन एक्स और कहां है डी एक्स, वो देख लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए दो सर, तो आपके सामने कहां पर साइन एक्स है और कहां पर डी एक्स है, इसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, लेकिन ये आपको करना नहीं है बेटा ऐसे, ठीक है ना, इसको ऐसे करना नहीं है, क्योंकि ऐसे करने से कुछ बेनिफिट तो आपको नहीं होने वाला है, तो इसलिए इसको ऐसे मत करिएगा, आप सिंपल सिंपल तरीके से क्वेश्चन को एप्लीकेबल करिए। हाँ जी, तो ये है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने क्या किया, मैंने इस संख्या को, क्योंकि मल्टीप्लाई में थोड़ा सा पीछे लिख देंगे पीछे, लिखने में तो कोई परेशानी नहीं है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे फंक्शन हो सकता है, इंटू में क्या लिखा मैंने साइन एक्स, इंटू में डी एक्स। मैंने ऐसा इसलिए लिखा ताकि स्टूडेंट्स, आप अभी नए नए स्टूडेंट्स हो इस टॉपिक से, अभी आप अनजान हो, तो मैंने लिख के दिखाया, अदरवाइज मैं लिखता नहीं हूँ, ये स्टेप मैं नहीं करता, ठीक है। मैं डायरेक्ट कहता हूँ इस पूरे की जगह पर आ गया डी टी माइनस का, और ये संख्या की जगह आ गया टी, डायरेक्ट लिखता, लेकिन आपको लिख के दिखा दिया। अब आप समझ सकते हो कि साइन कॉस एक्स की जगह पर क्या आ गया, साइन कॉस एक्स, कॉस एक्स की जगह पर क्या आ गया टी, तो ये हो जाएगा साइन टी इंटू, उसके बाद इंटू साइन एक्स डी एक्स की जगह पर आपके सामने है माइनस का डी टी। बेटा माइनस तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो क्या बचेगा साइन टी इंटू में डी टी, और बच्चे साइन टी इंटू डी टी, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस टी,
जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता अभी भी जाके वो पिछली वीडियोस देख सकते हैं, इंटीग्रेशन सीख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस टी, और टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, टी की वैल्यू हमारे पास थी कॉस एक्स प्लस का सी, एंड दिस इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चन समझते जाओ, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन समझेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। ये फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, इस फिफ्थ क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी एंड देन कॉस ए एक्स प्लस बी। बच्चे यहां पर इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेरे पास तीन मेथड है, तीन अलग अलग मेथड से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और तीनों से इसके अलग अलग आंसर आपको दिखेंगे। अभी तक तो मैथ्स में आपने यही सीखा था ना कि अगर आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन करिए आंसर सेम आएगा, लेकिन ये जो आप पढ़ने जा रहे हो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, सो दैट्स व्हाई अगर आप डिफरेंट मेथड से करते हो तो सम टाइम्स या फिर सम क्वेश्चंस में वो डिफरेंट आंसर लेके आता है। लेकिन फिर मैं बोलूंगा आंसर डिफरेंट आएगा, आपका आंसर भी ठीक होगा, लेकिन उन सभी डिफरेंट आंसर को एक बनाया जा सकता है, क्योंकि मैथ्स का नियम कभी नहीं बदलता। कैसे बनाया जाता है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं दो मेथड से करके दिखाता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो जाए कि आपका मेथड भी ठीक है और अगर किसी बुक ने किसी और मेथड से किया है तो वो भी ठीक है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो पुट करेंगे टी इज इक्वल टू, और बेटा यहाँ पर टी क्या पुट करेंगे, आप कॉस एक्स को पुट करोगे तो साइन हट जाएगा, आप साइन को पुट करोगे तो कॉस हट जाएगा, तो मैं साइन को पुट कर लेता हूँ। साइन ए एक्स प्लस बी दोनों में से कोई भी पुट किया जा सकता था और दोनों से ही अलग अलग आंसर आएंगे, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर डी टी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी का होता है कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, फिर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन भी करेंगे, ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए होता है और बी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो इसका मतलब हमारे सामने हुआ डी टी, और ये ए को आप डिवाइड में लेके आ जाइए, ये आ गया ए डिवाइड में, बचा क्या यहाँ पर, ये बचा कॉस ए एक्स प्लस का बी इंटू में डी एक्स। तो आप गौर से देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि ये वाली संख्या जो है ये पूरी की पूरी संख्या आपके सामने है, यहाँ पर डी टी अपॉन ए लिखना है यहाँ पर, और इधर क्या लिखना है बेटा, इधर लिखना है आपको टी। तो यहाँ पर अगला स्टेप हमारा हो जाएगा और वो स्टेप है हमारे पास यहाँ टी इंटू में डी टी अपॉन ए। तो बेटा टी जो है इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पहले से आगे करते हैं, वन अपॉन ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, टी इंटू में डी टी, और टी का इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन ए इंटू में टी स्क्वायर बाय टू प्लस का सी। तो बेटा ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाय टू ए प्लस का सी, और टी की जो वैल्यू थी वो क्या थी हमारे पास, साइन ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर इसका वन अपॉन टू ए साइन ए एक्स प्लस b का स्क्वायर भी लिख सकते हो आप पूरे पे स्क्वायर ऐसे, और एक और तरीका है वन अपॉन टू ए साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। बेटा ये फाइनल आंसर है, लेकिन ये आंसर जब आया साइन की फॉर्म में, जब हमने क्या पुट किया था, t को साइन पुट किया था, अगर हम t पुट कर लेते कॉस ये वाला कॉस, तो बेटा उस केस में आंसर कॉस की फॉर्म में आ जाता और वो भी आंसर बिल्कुल ठीक होता और वो दोनों एक ही आंसर हैं, लेकिन आपको दिख नहीं रहे हैं, तो देखेगा कौन, वो हम टीचर्स देख सकते हैं, हम उसके ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक ही आंसर ला सकते हैं, लेकिन लाने की जरूरत नहीं है, आंसर पे पूरे नंबर मिले। मैं इसी को सेकेंड मेथड से करके दिखाता हूँ इसी क्वेश्चन को, ये करना नहीं है आपको कोई भी एक मेथड करना है ना, सिर्फ ये मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि वो स्टूडेंट्स जो इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन करते हैं और उनको आंसर अलग अलग मिलते हैं तो वो अपने ऊपर डाउट करते हैं कि सर ये तो हमसे ही ठीक नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं दोबारा करके दिखाता हूँ इसी क्वेश्चन को। ये लिखा है आपके सामने साइन ए एक्स प्लस बी एंड देन कॉस ए एक्स प्लस का बी इंटू में डी एक्स। बच्चे अब की बार मैं क्या करने वाला हूँ, अब की बार मैं पुट करूंगा t इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी, अब की बार कॉस का पुट करूंगा तो डी टी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है माइनस का साइन ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का सॉरी इंटीग्रेशन नहीं होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, टी का डिफरेंशिएशन होता है डी टी अपॉन डी एक्स, कॉस ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन ए एक्स प्लस बी, और इंटू में ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए आएगा।
बेटा ये ए और ये माइनस बटे में चला जाएगा, डिवाइड में तो हो जाएगा माइनस का ए इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स। यहां तक की बात तो क्लियर हो गई आपको। अब क्या करने वाले हो, अब आप लिखोगे इंटीग्रेशन का निशान और ये साइन ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। देखो साइन ए एक्स प्लस बी और डी एक्स मल्टीप्लाई में इसकी जगह पर डी टी अपॉन ए आएगा माइनस का। तो ध्यान रखना पीछे लिखेंगे, आगे नहीं लिखेंगे, पीछे लिखेंगे है ना, ताकि एक मैनर भी बन सके। और ये संख्या जिसे हमने टी मानी है इसे आगे लिखेंगे, फंक्शन आगे होगा रेस्पेक्ट पीछे होगा। माइनस का वन अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू डी टी कॉन्स्टेंट बाहर चला गया। उसके बाद हम आगे करते हैं काम, तो क्या हो जाएगा वन अपॉन ए इंटू में टी स्क्वायर बाई टू प्लस का सी, और टी की वैल्यू क्या है लिखेंगे माइनस का वन अपॉन टू ए, टी की वैल्यू है कॉस, आप देख सकते हो ऊपर कॉस लिखा था, कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी एंड दैट्स इनफ। देखोगे आपका आंसर क्या आया, वन अपॉन माइनस वन अपॉन टू ए कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, पीछे आंसर क्या आया था वन अपॉन टू ए साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। बेटा ये आंसर जो आपके सामने आया है और पीछे वाला अगला जो आंसर आपका आया है दोनों ही सेम है लेकिन आपको नहीं दिख रही है। कैसे बताया मैंने सेम है, एक फॉर्मूला होता है मैं लिख देता हूं आपके लिए लेकिन आप ट्राई मत करिएगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपके सामने टू कॉस टू ए, क्या होता है कॉस टू थीटा। बेटा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका ये वाला रूल, ये वाला आंसर जो आया है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और पिछला वाला जो आंसर आया है दोनों सेम हो सकते हैं। अगर यहाँ कॉस स्क्वायर लिखा है तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालो, इसे राइट पे ले जाओ, और वहां साइन लिखा है तो साइन को ले जाओ और फिर से सॉल्व करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो सेम ही फॉर्मूले है। कैसे होगा ये मैं बता देता हूँ। इसके अलावा एक और फॉर्मूला आप पढ़ सकते हो, अगर मैं इसको कॉस को मॉडिफाई करूंगा तो आएगा वन माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा। तो बेटा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे और ऊपर रख देंगे। फिर उसके बाद दूसरा फॉर्मूला होता है, इसको अगर मॉडिफाई करते हैं तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू कॉस टू थीटा। ये मॉडिफाई कैसे कर रहा हूँ मैं, टेंथ क्लास के फॉर्मूले से, इसकी जगह लिख रहा हूँ वन माइनस का साइन, वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो पहले से ही साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर टू साइन स्क्वायर, ये लिखा मैंने सही ना। इसी तरीके से इसका भी मॉडिफाई ऐसी होगा, ये इसका भी मॉडिफाई ऐसी होगा और इसका भी, ठीक है ना दोनों भी। तो मैं बेसिकली आपको ये नहीं बताना चाहता फॉर्मूले को मॉडिफाई करो, ये तो उन बच्चों के लिए जो बच्चे डाउट क्रिएट करते हैं कि सर आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि आंसर अलग अलग आएंगे। मैं कह रहा हूं कि अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग आंसर हैं, क्योंकि ये आपका फाइनल आंसर है, आपसे आगे नहीं कह रहा है कि आप ट्रिग्नोमेट्री से आंसर मैच करके दिखाओ, ये आपका आंसर आ गया। मैं तीसरा मैथड करा देता हूँ आपको, टाइप थ्री मैथड थ्री, थर्ड मेथड सेम क्वेश्चन पे, तीन अलग अलग मेथड इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप थोड़े कॉन्फिडेंट ज्यादा हो जाए कि सर ऐसा हो सकता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कि हमारा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट सही है तो आंसर डिफरेंट आ सकता है, यानी कि जो बुक से मैच ना करे तब ये परेशानी होगी। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, और साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो बेटा इस 2 को अगर मैं डिवाइड में लेके आऊंगा तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा ये फॉर्मूला आपके जहन में होना चाहिए, मैं यही फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। थीटा की जगह मैं ए एक्स प्लस बी, और इस वाले थीटा की जगह मैं ए एक्स प्लस बी रखने वाला हूँ, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि ये फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे, ये राइट वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन है, ये लेफ्ट वाला पार्ट हमारा ये आंसर आने वाला है, 1 अपॉन 2 साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी इन टू में डी एक्स, टू भी आएगा, सॉरी टू नहीं लिखा मैंने, वन अपॉन टू साइन ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस बी इन टू डी एक्स। तो बच्चे वन अपॉन टू तो कॉन्स्टेंट है, ये तो बाहर आ जाना चाहिए, तो ये मैंने कर दिया बाहर, देखिए ये आ गया वन अपॉन टू बाहर। इंटीग्रेशन यहां लिखेंगे साइन, यहां लिखेंगे टू ए एक्स, यहाँ लिखेंगे 2b, यहाँ लिखेंगे इंटू डी एक्स। बच्चे इसका इंटीग्रेशन क्या होता है तो आपको मैं बता दूँ, साइन x का होता है माइनस का cos x, तो ये हो जाएगा माइनस का cos 2ax प्लस का bx, पर bx नहीं 2b, प्लस का 2b, और बटे में आएगा इसके, यानी कि डिवाइड में आएगा एक्स्ट्रा टर्म का, डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में लिखते हैं, जबकि एक्स्ट्रा टर्म लीनियर होनी चाहिए और ये लीनियर है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2a का डिफरेंशिएशन 2ax का 2a आ जाएगा और इसका 0 प्लस का c।
अब देख सकते हो कैसे डिफरेंशिएशन हुआ। तसल्ली से मैंने बताने की कोशिश करी है, लेकिन क्योंकि क्रैश कोर्स है तो थोड़ा रैपिडली चलूंगा, थोड़ा तो चलूंगा, ठीक है ना। ये रैपिडली उस बच्चे को कनेक्ट नहीं होगा जिसने पिछली कोई क्लास अच्छे से देखी ही नहीं है, प्रैक्टिस करी ही नहीं है, उसके लिए तो आगे आगे परेशानियां बढ़ती जाएंगी। अभी भी चांस है, आप जाइए पिछली क्लास की प्रैक्टिस करिए। बेटा ये भी एक आंसर है और ये बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन पिछले वाले आंसर से ये मैच नहीं कर रहा, ये अलग है, पिछला वाला अलग है और उससे पिछला वाला बिल्कुल अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि तीन मेथड से एक ही क्वेश्चन किया और तीन अलग अलग आंसर आपके आ गए। मेरे हिसाब से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंट रहें कि आपकी अप्रोच अगर सही है तो आंसर आता है और ये नहीं आता। ऐसे सारे क्वेश्चन में नहीं हो सकते तीन तीन चार चार मैथड, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कौन से होंगे ये तो मैं भी नहीं बता सकता। तो आपको तो सिर्फ पॉजिटिव वे में क्वेश्चंस करने, जैसे कि क्वेश्चन नंबर मैं बात करता हूँ अब सिक्स का। सिक्स क्वेश्चन आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, आप पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे भाई, टी पुट करेंगे ए एक्स प्लस बी को। अगर ए एक्स प्लस बी यानी अंदर वाली संख्या को टी पुट कर लेंगे तो फिर इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे, डी टी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए होता है और बी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। इसका मतलब डी टी इज इक्वल टू हो गया डी टी अपॉन ए कर देते हैं, इस ए को बटे में ले आते हैं और ये हो जाएगा डी एक्स, डी एक्स इधर मल्टीप्लाई, डी एक्स ऊपर और ए नीचे। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने है, आप देखोगे तो रूट ऑफ इसकी जगह पर क्या लिखा, टी लिखा, इसकी जगह पर क्या लिखा, डी टी अपॉन ए लिखा। अब इसका इंटीग्रेशन बेटा आपका होमवर्क है, आप करिएगा, ये वन अपॉन ए बाहर आ जाएगा, टी की पावर है वन अपॉन टू इंटू डी टी, और ये आपका होमवर्क है, आप इसे खुद से करिएगा, आपका काम है, ठीक है। और ये हो जाएगा, ऊपर एक पावर जोड़ेंगे नीचे एक पावर जोड़ेंगे, मैंने इतना तो आपको सिखाई दिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेवन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन आपसे क्या कहता है, कहता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स प्लस टू। अब देखो बच्चे यहां पर ये संख्या अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि तो रूट है, और अब हम क्या करें जब रूट है तो रूट के अंदर वाली संख्या हमें परेशान कर रही है, तो इसी संख्या को हम पुट कर लेते हैं टी। हम लिखेंगे टी इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो यह आ जाएगा आपके सामने डी टी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस का जीरो, तो यह आ जाएगा आपके पास डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। तो बच्चे ये तो आ गया डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, बहुत अच्छा है, यानी कि यहाँ पर डी एक्स की जगह पर डी टी लिख देंगे, यहाँ पर एक्स प्लस टू की जगह पर रूट ऑफ टी लिख देंगे, लेकिन इस एक्स का क्या, इस एक्स की जगह क्या रखा जाएगा, क्योंकि ये तो हट ही नहीं रहा ना, तो इसको हटाने के लिए यहाँ से एक वैल्यू निकलेगी, देख सकते हो ये टू को मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा, तो ये हो जाएगा आपके पास टी माइनस टू इज इक्वल टू एक्स। तो समझ में आया आपकी एक्स की वैल्यू क्या है, टी माइनस टू, तो यहाँ लिखेंगे टी माइनस टू। ऐसा करने से हमें क्या मिला, ऐसा करने से हमें ये मिला कि इस रूट टी की मल्टीप्लाई अंदर हो सकती है, पहले नहीं हो सकती थी एक्स की रूट के अंदर मल्टीप्लाई। मैथ्स के नियम है, कई बच्चे भूल जाते हैं, उसे याद कर लेंगे तो अपने आप हो जाएगा। बेटा ये लिखा है टी माइनस टू और ये लिखा है टी की पावर वन बाई टू, आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, ये वन पावर है ये वन बाई टू है, तो लिखेंगे टी की पावर वन प्लस वन बाई टू कितना होता है थ्री बाई टू, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, माइनस का टू टी की पावर कितना लिखा है वन बाई टू। और अब इसका इंटीग्रेशन बच्चे आपको करना है, ऊपर एक पावर जोड़ो नीचे एक पावर जोड़ दो और जो भी आएगा उसमें टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, एंड दैट इज फाइनल आंसर आपको करना है। जिसका आंसर नहीं आए वो मुझसे पूछेगा, लेकिन आपको ये खुद से करना है। मैंने कहा ना धीरे धीरे होमवर्क भी देना शुरू कर दूंगा, इसलिए कहता हूँ स्टार्टिंग से कि आप टॉपिक को और क्वेश्चन को अच्छे से समझें, और ताकि आप आगे का होमवर्क खुद से कर पाए। एक एक स्टेप जो है आपको आगे बढ़ना है, यानी कि मेरे आधी प्लान है कि सर कराएंगे तभी हमें आएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है, आप इसमें क्या करने वाले हो, पुट करने वाले हो, क्या पुट करने वाले हो, t इज इक्वल टू वन प्लस का टू एक्स स्क्वायर। मैं फिर रिपीट करूंगा, जो ऊपर पांच जो स्टेप्स लिखवाए थे उसको रिपीट करूंगा कि x का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो ये कभी नहीं आ सकता, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे तो x आ रहा है। ये कैसे पता लगा मुझे, डिफरेंशिएशन कराने के बाद पता लगा, मैंने दिमाग में डिफरेंशिएशन करा दिया, थोड़ा जल्दी करा दिया, आप थोड़ा लेट डिफरेंशिएशन कराओगे, लेकिन डिफरेंशिएशन तो करा सकते हो ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dt अपॉन में dx इज इक्वल टू वन का डिफरेंशिएशन बेटा जीरो होता है, टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये टू आगे आएगा और हो जाएगा फोर एक्स, बेटा जीरो प्लस फोर एक्स तो फोर एक्स होगा, ये फोर को डिवाइड में लेके आ जाएंगे, तो dt अपॉन में 4 इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू dx। आप देख सकते हो इतना शॉर्टकट भी नहीं मारा, लेकिन हाँ एक स्टेप मैंने यहाँ से जंप कर दिया, हाँ चाहे तो उसे लिख भी सकते हो, मतलब इसके अगले स्टेप में 4x लिख सकते हो। अभी हमारे पास है x dx,
यहाँ पर है x इंटू डी एक्स, तो मैं क्या करने वाला हूँ इस x को और इस dx को हटा दूंगा, यानी कि ये x और ये dx की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, x और dx की जगह पर मैं लिखूंगा dt अपॉन 4। ध्यान से समझना मैं कैसे हटा रहा हूँ, इन दोनों की जगह पर, दोनों मल्टीप्लाई में, आगे पीछे लिखे तो क्या है, तो मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में है, इन दोनों को हटा दो और इस पूरे की जगह पर लिख दो dt अपॉन 4। फिर इसकी जगह पर क्या लिखेंगे रूट के अंदर, यहाँ लिखेंगे t, बेटा 1/4 तो बाहर आ जाएगा और t की पावर, रूट का मतलब होता है t की पावर 1/2 इंटू डी टी। इसके बाद का काम आपका है, आपको इसका इंटीग्रेशन कराना है, कैसे कराएंगे वो मैं पहले भी बता चुका हूँ और आपको खुद करके देखते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहता है वो समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस का 2, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में डी एक्स। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है आपको, ये आप गौर से देखेंगे तो अंदर वाली संख्या का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रफली करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, x का डिफरेंशिएशन प्लस का 1 होगा और 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो जरा गौर से देखिए क्या लिखा है, 2x प्लस 1 लिखा है क्या नहीं, अगर लिखा है तो वो यहाँ पर भी दिखेगा आपको। 2 कॉमन लीजिए इसमें से और बाहर ले जाइए, कॉन्स्टेंट बाहर चला जाता है, बचेगा 2x प्लस 1 रूट ऑफ ये संख्या है आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। बच्चे ये बिल्कुल सीधा क्लियर क्वेश्चन हो गया। अब आपको क्या करना है, अंदर वाली संख्या को पुट कर लेना है। आप लिखेंगे पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1, देन डी टी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, x का 1 होता है, 1 का 0 होता है, बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन अब आपको आनी चाहिए। उसके बाद हम लिखेंगे डी टी इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू में dx। तो आपको समझ में आया 2x प्लस 1 इंटू dx, ये रहा 2x प्लस 1, देखो ये रहा 2x प्लस 1 और ये रहा इंटू dx। मैंने इस पूरे को, इसको इसको हटा देना है, इस पूरे की जगह पर क्या लगाना है मैंने, इस पूरे की जगह पर लगाना मेरा बेटा dt। देख सकते हो पूरे की जगह पर dt है और यहाँ पर रूट के अंदर जो संख्या है वो यहाँ लिख देंगे रूट ऑफ t। अब इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे, आपका काम है, ये भी होमवर्क मैंने आपको दे दिया, ठीक है ना। मैं उतना काम करके दिखा रहा हूँ जहाँ बच्चे अटकते हैं और उसके बाद का सिंपल इंटीग्रेशन है वो तो आपको करना है। चलो आप इतनी बार कह रहे हो कि सर आप करेंगे, आप करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन हुआ कुछ इस तरीके से, रूट को लिख सकते हैं पावर में 1/2। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का नियम ये होता है, ब्रैकेट लगाइए टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1। हम ऊपर एक पावर जोड़ते हैं, नीचे एक पावर जोड़ते हैं, प्लस सी लिखेंगे। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है थ्री की पावर, टी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस सी। उससे अगला स्टेप देखते हैं, अगला स्टेप क्या होगा, तो ये 3/2 जो नीचे दे रखा है ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। अब बच्चे 2/3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, तो आ जाएगा 4/3 और टी की वैल्यू जो है वो रख देंगे, तो हमारे पास टी की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आप देख सकते हो ऊपर जाके कि क्या वैल्यू थी, प्लस थी। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो मैंने जो कहा है आप करेंगे, आप करेंगे तो कितना आसान काम था ये कैलकुलेशन का। अगर नहीं आती है तो यहाँ से देख लो, फिर ऊपर वाले क्वेश्चंस कर लो। अगर आपसे ऊपर वाले क्वेश्चंस अभी नहीं हुए हैं तो कर लो बेटा, आपको प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम आपको देना है, आगे आपको क्लासेस में जाना है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस भी आपको ही करनी पड़ेगी। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ कि आपको वो पैटर्न बता पाऊँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है अगला। नाइन्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है और 10वें क्वेश्चन में आपसे कहा गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/ में एक्स माइनस का रूट ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स। ये क्वेश्चन है, करना क्या है, अभी परेशानी है बेटा, अब क्या करें इसमें, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। हर जगह पर आपका सहारा मैं नहीं बन सकता, आपको खुद ब खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या दिमाग लगाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। 4 के फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर यहाँ मैं फैक्टर लिख देता, 4 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 2। बेटा आपको पता है 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। 2 के फैक्टर्स होते हैं √2 × √2, जिसको नहीं पता वो सीख ले, √2 × √2 बराबर होता है 2। इसी हिसाब से x के फैक्टर क्या होते हैं, √x × √x, यानी कि हर किसी x के पास 2 रूट होता है। कितने रूट होते हैं, 2 बार रूट मल्टीप्लाई में होता है। तो आप देख सकते हो ये x लिखा है, लेकिन मुझे x नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है √x × √x, और यहाँ तो पहले से ही √x है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से √x कॉमन ले लूंगा, ये मैंने ले लिया √x कॉमन।
तो बेटा यहाँ दो बार रूट लिखे थे ना, देखो इस हिसाब से एक रूट बाहर आ गया तो बचेगा कितना, एक रूट बचा माइनस ये रूट तो पहले ही बाहर आ गया तो क्या बचा एक। ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट के रूट कैसे फैक्टर्स बने और ये बना, सही है ना। अब इसके बाद आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने डायरेक्ट लिखवाया था, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, ये मैंने लिखवाया था आपके जहन में होना चाहिए, लेकिन कई बच्चे आपके जहन में नहीं है तो मैंने अब लिख दिया, आप इसे पढ़ लो। आपको यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन में पुट करना है t इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन, तो बेटा डी टी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स का होता है 1/2√x डिफरेंशिएशन, माइनस का 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो अगला स्टेप हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1/2√x हो जाएगा, इस 2 की मल्टीप्लाई बेटा ऊपर करा दीजिए तो 2dt हो गया, और इस dx की मल्टीप्लाई यहाँ करा दीजिए तो हो जाएगा 1/√x इंटू डी एक्स। किसी को ऑब्जेक्शन है तो आप इसे दोबारा देख लें तो आपका ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए आपके सामने 1/√x इंटू डी एक्स है, यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ भी मिलेगा 1/√x इंटू डी एक्स, मैंने हाईलाइट कर दिया, तो इसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2dt, पीछे लिखते हैं हमेशा, और इसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा 1/t, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, बेटा इसके बाद का काम है आपका, कुछ काम मैं आपको भी तो दूंगा, तो इसके बाद बस log t लिख देना, t की वैल्यू रिप्लेस कर देना, आंसर आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, 11, ठीक है। इन सभी के आंसर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, एक इमेज दे दूंगा इन सभी के आंसर जो मैं लिख रहा हूँ सीरियल वाइज, ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 11 तक, तो आप उसे मैच भी कर सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन में रूट ऑफ एक्स प्लस 4 इंटू में डी एक्स, बहुत सिंपल है, आपको पुट करना है, टी इज इक्वल टू रूट के अंदर से बाहर नहीं निकाल सकते थे ना, इसे कभी नहीं निकाल सकते, कोई नियम ही नहीं होता बाहर निकालने का यहाँ पर, तो आप इसे ही पुट कर लीजिए एक्स प्लस 4 को, तो डी टी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 4 का डिफरेंशिएशन 0, तो डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स। तो बच्चे यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास डी एक्स की जगह पर, ये देखेंगे डी एक्स की जगह पर डी टी आएगा, इसकी जगह पर टी आएगा, लेकिन एक्स की जगह क्या करें, तो बेटा एक्स की जगह पर जब फर्स्ट जाते हैं तो यहाँ से निकालते हैं, ये 4 को हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टी माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स। अब आगे बढ़ते हैं, तो x की जगह पर t माइनस 4 आ गया, अपॉन में यहाँ पर आ गया रूट ऑफ t और इंटू में आ गया dt। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है भाई, इसको पहले सेपरेट कर देना, तो ये हो जाएगा t अपॉन में रूट t, और रूट t को भी सॉल्व कर लेते हैं, रूट t का मतलब होता है t की पावर 1/2 माइनस 4 अपॉन में t की पावर 1/2 इंटू में dt। अब देखेंगे तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, घट जाती है, तो यहाँ पर घटा दिया जाएगा, तो 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1 टी की पावर 1/2, आप घटा लेंगे बेटा 1 में से 1/2, 1 में से आधा गया तो आधा बचा, माइनस का निशान, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बचेगा 4 टी की पावर माइनस 1/2 और ब्रैकेट क्लोज इंटू में डी टी। बेटा इसको इंटीग्रेट आप करेंगे, मैंने बता दिया आंसर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, इंटीग्रेशन कैसे करना है, ऊपर एक पावर ऐड होगी, नीचे एक पावर ऐड होगी, और टी की वापस वैल्यू रिप्लेस कर दी जाएगी, करके देखना, नहीं होगा तो कोशिश करोगे तो जरूर होगा आपसे, नहीं होगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता सकता हूँ आपको, ठीक है ना, कमेंट पे पूछ लेना, क्वेश्चन नंबर डाल के पूछ लेना, वीडियो नंबर डाल के पूछ लेना अगले में। तो देखो यहाँ पर आगे अगला है क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या कहता है। 12 क्वेश्चन कहता है एक्स क्यूब माइनस 1 रेस टू द पावर 1/3 एंड एक्स रेस टू द पावर 5 इंटू डी एक्स। बेटा ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बच्चे बहुत सिंपल है, ये एक्स की पावर 5 है, ये एक्स की पावर 3 है, तो दिमाग में एक बात चलानी पड़ेगी और इतना सोचना पड़ेगा, इतनी के लिए ही प्रैक्टिस होती है, इंटीग्रेशन तभी तो टिपिकल लगती है, एकदम से हलवा नहीं है कि उठाया और खा गया, अगर हलवा मानोगे तो ये गरम हलवा है, एकदम से खा जाओगे तो आप मुंह जल जाएगा, ठीक है। तो आपको मेरे को फॉलो भी करना है, और अभी इंटीग्रेशन बहुत चलने वाला है, अभी तो 6 टाइप्स हैं, हम तो दूसरी टाइप के पास पहुंचे हैं, मैंने कहा था ना आपको 6 टाइप्स करेंगे हम, तो इसलिए आप तसल्ली से पढ़ते जाइए, ये सब चीज़ें बार बार रिपीट होगी। एक्स की पावर 5 को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2। आप मुझसे कहोगे सर आपको तो पता था, हमें कैसे पता, बेटा आपको भी बताया था, बस आपने याद नहीं किया, आपको बताया था कि कन्वर्ट करते हैं ओड की पावर को इवन की पावर में, तो देखो ये ओड पावर है एक्स की पावर 5, इवन में कन्वर्ट करेंगे एक्स की पावर 2, समझ में आ गया आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम इसे पुट करेंगे,
पुट क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू ये वाली संख्या, बेटा ये अंदर वाली संख्या कभी, ये मतलब ये संख्या कभी अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि पावर 1/3 पहले से ही दे रखा है क्यूब रूट, इसलिए पूरे को ही पुट करना हमारा कंपल्सन है, हमारी मजबूरी है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वन, पुट कर दिया। उसके बाद हम डिफरेंशिएशन कराएंगे तो डी टी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3x² माइनस का 0 और डी टी अपॉन में 3 इज इक्वल टू हो जाएगा x² इंटू डी एक्स। मैं एक स्टेप शॉर्टकट कर देता हूँ, ये 0 को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे। मैंने क्या किया, डी एक्स की मल्टीप्लाई वहां कर दी और 3 की मल्टीप्लाई नीचे, है ना, ये क्रॉस हो गया। तो अभी आगे बढ़ जाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरे की जगह तो टी आया था 1/3, इस पूरे की जगह पर आया है डी टी अपॉन 3। लेकिन प्रॉब्लम तो मुझे इसके साथ है कि एक्स क्यूब का क्या करें, तो एक्स क्यूब का करने के लिए यही क्वेश्चन में ही दे रखा था और ये अब तो बार बार कर रहे हैं हम। वन को अगर लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा टी प्लस वन इज इक्वल टू एक्स क्यूब, आ गया नहीं आ गया एक्स क्यूब, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट ऑफ टी प्लस वन। बेटा ऐसा करने से क्या मिला, 1/3 तो बाहर आ गया, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करा दो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, 1/3 में अगर 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4/3, टी की पावर 4/3 प्लस का साइन, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर 1/3 और ब्रैकेट ऑफ इनटू टी टी। आप इसका इंटीग्रेशन खुद कराएंगे, तो यहां तक छोड़ देता हूं और इसका इंटीग्रेशन अभी ऊपर बताया भी था एक पूरा क्वेश्चन करके कैसे ऊपर संख्या जुड़ती है नीचे संख्या जुड़ती है, आप करिएगा जनरली आपसे क्वेश्चन हो जाएगा और मैच करिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कहता है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 2+3x² और ब्रैकेट क्लोज क्यूब, 3x² नहीं 3x³, ये है आपके पास 3x³। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि करना क्या, इंटू डी एक्स। आपको इसमें नीचे वाली संख्या इसको याद करो क्या लिखा है, इस पूरे का डिफरेंशिएशन कर लो। अगर आपको अब अगर आप डिफरेंशिएशन के यूज टू हो चुके हो, डिफरेंशिएशन से कंफर्टेबल हो चुके हो, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करके सोचो क्या आएगा। तो देखो कॉन्स्टेंट को कंसिडर नहीं किया जाता, इंटीग्रेशन बाहर आ जाता है, वो फंक्शन को ध्यान रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, पुट करेंगे हम टी इज इक्वल टू 2+3x³, ये पुट करेंगे और उसके बाद डी टी अपॉन में डी एक्स। देखो मैंने ऊपर वाला क्यूब, ये वाला क्यूब नहीं करा, होल क्यूब नहीं किया, क्यों, क्योंकि मुझे फायदा नहीं था मिल रहा था ना भाई, मैं कर दूं, अगर मैं इसको क्यूब को भी पुट कर दूं तो मेरे को फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ मेरा क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि अब इसे सॉल्व करेंगे तो इससे क्वेश्चन हटेगा ही नहीं, कुछ सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा। तो बेटा ये मत मानिएगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिलेक्टेड पैटर्न है उस पर फॉलो होगा तभी हो सकता है। तो मैंने अंदर वाली संख्या को पुट किया, समटाइम्स अगर ऊपर वाली संख्या इसको भी क्यूब को भी पुट करना पड़ता है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। तो अभी अपने जो ज्ञान चक्षु है ना, आप अपने दिमाग के सारे तार खोल दीजिए तभी इंटीग्रेशन हो सकता है। ऑफ कोर्स ये क्रैश कोर्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस क्रैश कोर्स की वजह से आप इसको स्किप कर देंगे, ये टॉपिक ही नहीं पढ़ेंगे, ये टॉपिक नहीं पढ़ा, लेकिन कोई टॉपिक समझ नहीं आने वाले, सही है। तो देखते जाइए, 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, प्लस 3x³ का करेंगे तो ये 3 आगे आएगा, 3 × 3 = 9x², जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा dt अपॉन में dx इज इक्वल टू 9x² और उसके बाद अगला स्टेप dt अपॉन में 9, मैं 9 को डिवाइड पे ले जाता हूँ, x² इंटू dx। तो बेसिकली बच्चे आप देखोगे तो x² इंटू dx आपको जरूर दिख रहा होगा, ये रहा, इसकी जगह पर क्या लिखा हुआ आएगा हमारा, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं dt अपॉन में 9 और नीचे इसकी जगह पर क्या लिखेंगे बच्चे, इसकी जगह पर लिखेंगे 1/t का क्यूब। देखो नीचे है तो नीचे ही रहेगा, t का क्यूब ऊपर जाएगा, 1/9 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 dt और इसको सॉल्व करने का प्रोसेस फिर मैंने कहा ये आपका काम है, मैं कुछ होमवर्क आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन तक यानी जो पिछली क्लास में कराया था वहां तक छोड़ देता हूँ और फिर आपको कहता हूँ आप करिए, ठीक है ना। ऐसे ही मैं अपनी क्लास में बच्चों को सभी को बताता हूँ और ऑनलाइन में भी मैं आपको सेम उसी प्रोसेस से बता रहा हूँ ताकि आप इसे सीख पाएं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/ में एक्स, अगला क्वेश्चन है लॉग एक्स की पावर एम दे रखा है, एम अब की बार एम दे रखा है, ओके कोई बात नहीं, एम दे रखा है तो हम डरते थोड़ी है किसी से, हम लिखेंगे फुट टी इज इक्वल टू लॉग एक्स, हम ये लिख देंगे बेटा। अगर हमने ये लिख दिया तो आगे क्या करने वाले, आगे हम इसका डिफरेंशिएशन करने वाले क्योंकि लॉग वाले क्वेश्चन में लॉग का पुट करते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी। 1/x इसका डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद dt इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/x इनटू में dx, दैट मींस आप अगर गौर से देखोगे तो ये 1/x इनटू dx की जगह पर आएगा क्या,
डी टी, और नीचे इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, वन अपॉन टी की पावर एम, फिर उसे ऊपर लेके जाइए तो टी की पावर माइनस एम इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करिए, तो मैंने ऊपर बता तो दिया ये इंटीग्रेशन आपको करना है, चलो ये मैं कर देता हूँ, ये लिखूंगा टी की पावर माइनस एम प्लस वन अपॉन में माइनस एम प्लस वन प्लस का सी। टी की वैल्यू हमने जो मानी थी उसको दोबारा रख दिया जाएगा, हमने माना था लॉग, तो लॉग एक्स की पावर, इसको मैं थोड़ा सुधार के लिख देता हूँ ना ऐसे करके, वन माइनस एम, और नीचे भी ऐसे लिख देता हूँ वन माइनस एम प्लस का सी, एंड दिस इज फाइनल आंसर। मैथ्स आप कर सकते हो, मैंने बता दिया डिस्क्रिप्शन पे सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। आज बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, मैंने पहले ही बोल दिया था, अगर टाइप समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, रूल्स आपने याद कर लिए, तो आप मेरे साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन आराम से करते चले जाओगे, मुझे ना बताने में दिक्कत है ना आपको समझने में दिक्कत है, ठीक है। तो देखिए जल्दी से, यहाँ पर आप क्या करेंगे, वही सेम काम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, t इज इक्वल टू 9 माइनस का 4x स्क्वायर पुट करेंगे बेटा, नीचे वाली संख्या याद करिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर नहीं याद आ रहा तो याद करने के लिए आपको वो वीडियो लेक्चर देखना है जिसमें मैंने डिफरेंशिएशन सिखाया था, 9 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और ये 2 आगे आ जाएगा, तो 8x इसका डिफरेंशिएशन होगा, डी टी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 8x, बेटा ये माइनस का 8 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा और ये डी एक्स यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो होगी डी टी अपॉन में माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स इंटू में डी एक्स। बच्चे अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो हमारा क्वेश्चन होता हुआ दिख रहा है कि नहीं, एक्स इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स रिमूव कर दो, इसकी जगह पर क्या लिख दो, ये लिखो डी टी अपॉन में माइनस 8 हो जाएगा डी टी अपॉन माइनस 8, और बेटा यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिखो टी, 1 अपॉन टी हो जाएगा ना, तो माइनस का 1 अपॉन 8 बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है डी टी, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है बेटा लॉग टी, आपको करना है, मैं नहीं कर रहा, टी की वैल्यू रख देना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x प्लस का 3, आपको साफ साफ दिख रहा है एक्स्ट्रा टर्म को पुट करने वाले हैं, तो क्या पुट करेंगे हम, t पुट करेंगे 2x प्लस का 3 और dt अपॉन में dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2x का डिफरेंशिएशन 2x का 1 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा dt अपॉन में dx इज इक्वल टू 2, अब इसे लिखेंगे dt अपॉन में 2 इज इक्वल टू dx, मैं इस 2 को पटे में ले आया यहाँ पर और dx को मल्टीप्लाई में ले गया, देन आप देखोगे तो गौर से क्या हटा, dx की जगह पर dt अपॉन 2 हो जाएगा, e की पावर इस संख्या की जगह पर t आ जाएगा, तो कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन, e की पावर t इंटू डी टी और इसका इंटीग्रेशन करना आपका काम, देखो जरा e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो देख लेगा वो कर लेगा। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, और अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में e रेस टू द पावर x स्क्वायर इंटू में dx, ये क्वेश्चन है बेटा सीधा सीधा है, आपको इसमें इसको पुट कर लेना है क्योंकि एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है ना, तो इसको आप क्या पुट कर लेंगे, इसको आप पुट कर लेंगे इस वाले हिस्से को t, याद रखना तभी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना, तो t पुट करेंगे x स्क्वायर को, dt अपॉन में dx इज इक्वल टू 2x आ जाएगा, dt अपॉन में 2 इज इक्वल टू x इंटू dx आ जाएगा। अब इस स्टेप्स के यूज टू हो जाने चाहिए भैया, मैं 17वां बार का आ चुका हूँ, देखो 17वें क्वेश्चन पे आ गया हूँ। अब जरा आप देखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा, x और dx की जगह पर क्या है, x dx की जगह dt अपॉन 2 पीछे लिखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ये नीचे है तो नीचे ही रहेगा 1 अपॉन e की पावर t, ऊपर लेके जाएंगे तो कांस्टेंट तो बाहर आ गया e की पावर माइनस t इंटू dt। बेटा जब e की पावर माइनस t का इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, e की पावर माइनस t का इंटीग्रेशन होता है e की पावर माइनस t डिवाइड में, याद रखना डिवाइड में, एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि ये एक्स्ट्रा टर्म है माइनस का t, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा माइनस का, प्लस का सी जरूर लिखेंगे, और इसके बाद हो जाएगा माइनस का 2 e की पावर माइनस का, t की वैल्यू आपके सामने थी और वो वैल्यू क्या थी आपके सामने, x स्क्वायर प्लस का सी, एंड दिस इज फाइनल आंसर, कुछ नहीं करना है इसमें, सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और फिनिश करते हैं आज की क्लास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 करने के बाद आज की क्लास फिनिश हो जाएगी अच्छे से, ये 18 क्वेश्चन रिपीट कर लेना क्योंकि ये टॉपिक सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक खत्म हो गया है, अगले टॉपिक को हम अगली क्लास में करेंगे, तो अगर जिसने ये टॉपिक वाइज टॉपिक क्लास वाइज क्लास अगर समझ लिया तो इंटीग्रेशन जनरली 6 टाइप खत्म होने के बाद मैं आपसे बात करूंगा तो आप मुझे खुद बताएंगे हाँ जी हमें समझ में अब आ रहा है, जो बिगिनर्स हैं, जो वेरी बिगिनर्स हैं और जिन्होंने ये सब चीजें पार कर ली है, ये स्केल पार कर लिया है, तो वो वेट करें,
जब छह टाइप खत्म हो जाएगी तो डेफिनेट उसके बाद, फिर उसके बाद स्पेशल आपके अप्लाइड मैथ्स के लिए कुछ इंजीनियरिंग मैथ्स की जो होती है इंटीग्रेशन, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसकी भी क्लास रखेंगे। वेट करें अभी आप, प्रैक्टिस करें इसकी। यहाँ पर पुट करना चाहिए, क्या पुट करना चाहिए, टी इज इक्वल टू क्या, टेन इनवर्स एक्स। ये इनवर्स वाले फंक्शन में इनवर्स को पुट कर लेते हैं, ये भी मैंने ऊपर लिखवाया था, आप देख सकते हो अगर आपने कॉपी पे मेरे साथ साथ नोट कर रहे हो तो। डी टी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा मेरे को ये डिफरेंशिएशन याद है, आपको ये डिफरेंशिएशन याद करना है, तो मेरे से तो कंपेरिजन मत करिएगा आपने, क्योंकि मैंने बहुत बार कराए होंगे तो इसलिए मेरे को याद हो गया। आप तो पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हो यहाँ पर इस टाइप के इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के रूल्स को, तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। ओके नाउ यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए आपके सामने है वन ऊपर लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, दिखता नहीं है लेकिन होता है, वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह डी टी लिखा है तो हम भी डी टी लिख देंगे, ये लिख दिया मैंने डी टी, और e की पावर क्या हो जाएगा, e की पावर t हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है और फिर आंसर निकालना है। तो होप सो बेटा आपको ये 18 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। टॉपिक का इंट्रोडक्शन बहुत आराम से समझना है आपको, ताकि ये आगे तक हो सके। ओके नाउ अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अगर आपको ये क्रैश कोर्स समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी हेल्प हो सके, वो अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट हैं और इस समय डाउटफुल लाइफ में हैं कि पेपर होंगे नहीं होंगे, अगर नहीं हुए तो क्या डिले हो जाएंगे या कैंसिल हो जाएंगे, गवर्नमेंट कोई भी टेस्ट एंड क्लियर नहीं बता रही है। तो प्लीज़ मैंने ये आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए सारा का सारा कोर्स डिज़ाइन किया है। अगर पेपर होंगे तो आप इस वीडियो को देखकर, सिर्फ वन मंथ की वीडियो को देखकर, आप कंप्लीट जो आपका अप्लाइड मैथ्स के इतने सारे जो टॉपिक्स थे वो कंप्लीट कवर हो जाएंगे सिर्फ वन मंथ के एक कोर्स में, ठीक है ना। तो जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा तो एटलीस्ट वो वन मंथ का तो टाइम देंगे, तो आप इसे रिवाइज कर लेना उस समय, देख के अभी प्रैक्टिस कर लो। ओके बाय बाय, शब्बा खैर, मिलते हैं अगली क्लास में।